माने रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के दोनों का डिफरेंस देखा था। आज हम लोगों ने जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है आपका टेस्ट डेटा। बेसिकली हमारे पास टेस्ट डेटा होता क्या है? टेस्ट डेटा हमारे पास होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जब हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो हम चेक करते हैं कि आइदर हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं है। उसके लिए हमें उस डेटे को टेस्ट करना पड़ता है। और अब हम बुक में देख लेते हैं क्या है। आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, एंड फॉर टेस्टिंग we need test data. For example, if we want to test the algorithm to find the largest among three given numbers n0, n1, n2, then we need three values. These values can be positive or negative or zero. n0, n1, n3, n2, n0. ओके, ये इन्होंने तीन दफ़ा जो है वो हम देख रहे हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो हमने फॉर एग्जांपल हमने एक्सपोज किया यहाँ पे कि हम लोग तीन वैल्यूज़ को लेके चेक करते हैं कि उनमें से कौन सी वाली जो है वो लार्ज है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि या तो पॉजिटिव भी हो सकती है या उनमें कोई वैल्यू बीच में नेगेटिव भी हो सकती है। ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और बीच में कोई नेगेटिव भी हो सकती है, यहाँ पे -6 है। और नेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि कोई किसी वैल्यू की ज़ीरो भी हो सकती है। तो हमने किस तरह से इनको डिफरेंट वे में हमने इसको टेस्ट करना होगा, ये हमारा मिशन है इसके अंदर कि हमने डेटा को किस तरह से हमने टेस्ट करना है, टेस्टिंग के लिए देना है। ठीक है, हमने इनमें से किस तरह से इनको कंपेयर करना है, इसमें से किसको कंपेयर करना है। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो है लार्ज वैल्यू 15 है, इसमें जो लार्ज वैल्यू है 35 है, क्योंकि -6 तो बहुत छोटी हो जाती है, इसके अंदर 24 है। तो ये हमें पता है, ये सिंपल सी एक एग्जांपल है जो कि हमें पता है। लेकिन कई बार ऐसी एग्जांपल्स होती हैं जो हम टेस्टिंग में कर रहे होते हैं जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, उसके लिए हमें प्रॉपर जो है वो टेक्निक्स जो हैं वो टेस्टिंग की वो हमें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास एक जो है वो एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या कहती है? अज्यूम दैट यू आर गिवन एन ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम फॉर टेस्टिंग। आप स्कूल में जाते हो, आपकी अटेंडेंस होती है, तो वो अगर वो अटेंडेंस हम ऑटोमेटिक कर देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इस सिस्टम के अंदर जब आप कैमरा जो है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा, जब आप क्लासरूम में एंटर करते हो, द कैमरा इज़ कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर विच कंटेन्स द डेटाबेस। और वो कैमरा जो है कहाँ से कनेक्टेड होगा? उस कंप्यूटर से होगा जिसके अंदर आपकी सारी डेटा, आपके पूरा डेटा पड़ा हुआ है एक डेटाबेस के अंदर। हमने डेटाबेसेस जो हैं वो पढ़ी हैं 8th क्लास में, तो ये उसी से लिंक करती हैं कि डेटाबेसेस में डेटा स्टोर होता है काफ़ी आपके बारे में, जितना डेटा आपका, आपकी पिक्चर, आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपकी क्लास, आपके सब्जेक्ट्स, आपसे रिलेटेड जितना डेटा है वो सारा जो है आप इस कंप्यूटर में सेव होता है। द सोल्यूशन कंपेयर्स ई स्टूडेंट विद द पिक्चर इन डेटाबेस एंड मार्क द अटेंडेंस पिक्चर इज़ फाउंड देयर। तो वो क्या करते हैं, कैमरा ऑब्जर्व करता है आपकी पिक्चर को, और आपकी पिक्चर ऑब्जर्व करके जो है वो कंपेयर करता है अपने, आपके जो उसके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं कि अच्छा अब ये पिक्चर जो है मुझे एक बच्चे की कैमरा में, मतलब ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है, अब इसको जो कंप्यूटर में पिक्चर्स पड़ी हैं उनसे कंपेयर करो, क्या ये मैच करती है? ओके, अगर मैच करती है तो अटेंडेंस उसकी जो है वो प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे लेकिन अगर हम लोग जो है वो कुछ इसके अंदर चेंजेस, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करें कि अगर हमारे पास बीच में इश्यूज़ क्या आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ट्विन्स हैं उनको पहचानना, और कुछ ने अगर कपड़े एक जैसे पहने हैं उनको पहचानना, तो ये काफ़ी जो है वो सिमिलैरिटीज़ अगर दो बच्चों में हैं तो उनको कैसे, वो अगर दो बच्चे आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो उनको कैसे जो है वो अलग करना। यू आर आस्क्ड टू प्रोवाइड टेस्ट डेटा फॉर द सिस्टम।
write your points in a way that you can help the solution provider to check and improve quality of the solution. मतलब आप solution की quality को improve कर सकते हैं अपने points बता के. You can think about different dresses in different weathers. Different जो है weathers में different जो है वो dresses पहनते हैं. Identical twins अगर हो जाएँ तो क्या होगा. और अगर different अगर हम कहते हैं identical twins हैं तो अगर उनका hair cut different है या उनकी dresses different है. और any other point where one can look different in the front of the camera. मतलब camera के सामने हमने ये देख रहे हैं कि हम लोग ऐसा सिस्टम बनाएं. हमने टेस्ट करते हुए ऐसा देख रहे हैं कि वो उन दोनों में फ़र्क पहचान सके कैमरा. ठीक है, उसको वो आइडेंटिकल ना लगे, एक जैसे ना लगे. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है. हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंस है टेस्टिंग की. टेस्टिंग इज़ वेरी सेंसिटिव एंड क्रूशियल. बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग का. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल है. ठीक है, टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर्स मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम. मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ऑब्वियस ही बात है कि बीच में वो हम एरर फ्री तो कोई काम नहीं करते हैं. उसमें बहुत सारे जो हैं वो एरर्स आते हैं. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ सोल्यूशन. सॉरी, बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसका जब हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर. टेस्टिंग ऑफ डेटा, डेटे को टेस्ट करना बहुत, क्योंकि इससे जितनी बार आप टेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपके सॉल्यूशन में इम्प्रूवमेंट आएगी, उतनी ज़्यादा मिस्टेक के चांसेस कम होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब पेपर सॉल्व करते हैं, पेपर सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम बार बार उसको रीड करते हैं. हर रीडिंग पे अगर हमें एक मिस्टेक नज़र आ जाती है और हम उसको जो है वो रिमूव करके अपना सॉल्यूशन क्या कर लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं. इफ़ वन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड समवन एल्स uses a solution for commercial purpose, then the commercial activities depend upon the correctness of the solution. अगर कोई एक चीज़ बनाता है, उस चीज़ को आप commercially use कर रहे हो, ठीक है, वो commercial उसमें आ जाता है कि आपके पास commercial purpose के लिए आ जाता है, तो वो उसकी depend ही कर रहा होता है उसकी correctness पे कि उसका solution कितना correct है. हम लोग मोबाइल फ़ोन्स लेते हैं, अगर उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्टिंग के बाद जो है वो मार्केट में लॉन्च होते हैं, वरना उसमें अगर वो सही से काम ना हो तो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं. इफ़ वी डिवेलप अ सॉल्यूशन फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट एंड सम बैंक स्टार्ट यूजिंग इट, देन एनी एरर इन दैट सॉल्यूशन मे रिजल्ट इन अ फाइनेंशियल लॉस. अब वो कहते हैं कि अगर हम लोग कोई फाइनेंस मैनेजमेंट का एक जो है वो सॉल्यूशन डिवेलप करें, हम किसी बैंक के लिए, ठीक है, और अगर उसके अंदर उस सॉल्यूशन में कोई एरर आ जाए तो उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है. हम जो बैंक में ट्रांजैक्शन और उसके उनकी जो मशीन्स होती हैं, जो उनके कंप्यूटर होते हैं, उनके अंदर अगर हम लोगों ने ऐसा डेटाबेस बनाया हो या हमारे पास हमने उनका ऐसे सॉफ्टवेयर बना के दिया जो कि प्रॉब्लम कर रहा हो, तो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा. तो हमारे पास टेस्टिंग जो है वो क्या होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है. नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा. टेस्ट डेटे को टेस्ट करने की हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो टाइप्स हैं. बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज, और हमारे पास वैलिड टेस्ट डेटा. ओके, वेल, बाउंड्री टेस्ट डेटा हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग एक्सट्रीम वैल्यूज़ चेक करते हैं कि हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है ना, कि हम एक्सट्रीम होती है या तो बहुत एक लिमिट तक जाना जो बहुत हाई वैल्यू हो, या बिल्कुल ज़ीरो, ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जाके जो है वो चेक करना, अ सॉल्यूशन इज़ टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़. फॉर एग्जांपल, टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वी कैन कंसीडर प्रिंसिपल अमाउंट इज़ ज़ीरो और अ वेरी ह्यूज अमाउंट. अगर हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हम ज़ीरो से लेके उसकी जो ह्यूज अमाउंट है वहाँ तक चेक करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज़ तक, ठीक है,
कि हमारे पास क्या डाटा आता है, हम उसको बार बार चेक करेंगे कि ये फार्मूला ठीक है टेस्ट करने के लिए, फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करने के लिए, प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या ये फार्मूला ठीक है या नहीं है। तो हम ज़ीरो से वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी फार्मूला ले लेते हैं, हम आपकी फ़िज़िक्स का कोई फार्मूला ले लेते हैं, उसके अंदर हम लोग अगर हम उसे चेक करना चाह रहे हैं कि वो ठीक काम करता है या नहीं, तो हम उसे ज़ीरो से लेके एक ह्यूज अमाउंट जो हमारे पास होगी, एक लिमिट होगी, उस तक वैल्यू को हम चेक करेंगे। ओके, वैलिड टेस्ट डेटा आपके पास क्या होता है? वैलिड टेस्ट डेटा आपके पास होता है कि उसमें आप लोग आप जो है आप डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी इनपुट पे, ठीक है, कि आपकी इनपुट क्या है, ठीक है। इट इज़ अ टेस्ट डेटा दैट कंप्लाइड्स विद इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम की इनपुट पे बहुत ज़्यादा ये डिपेंड कर रहा होता है। इफ़ एन एल्गोरिदम इज सपोज टू टेक अ न्यूमेरिक वैल्यू, अगर आपने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जो कि सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू देता है, न्यूमेरिक वैल्यू लेता है, न्यूमेरिक वैल्यू कौन सी होती है, जो कि 1, 2, 3 और आपके मैथमेटिकल जो न्यूमेरिक नंबर्स वाली वैल्यू लेता है 1 से लेके 100 तक, तो इसके लिए ये अब कंडीशन लग गई है कि इसने 1 से लेके 100 तक ही लेनी है, ये उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो हमने टेस्ट क्या करना है, क्या जो नंबर इनपुट हो रहे हैं क्या वो 1 से लेके 100 तक ही हैं, ठीक है। देन एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड 100 इज़ वैलिड टेस्ट डेटा। अगर 1 से लेके 100 के दरमियान में कोई वैल्यू जो है वो इनपुट हो रही है तो हम कहेंगे ये वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड टेस्ट डेटा है। अगर 1 से 100 के दरमियान ना हो तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इनवैलिड टेस्ट डेटा है, कि जो हम इनपुट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ओके, इट इज़ द डेटा दैट डज नॉट कंप्लाई विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिदम। इट इज़ नेसेसरी टू मेक श्योर दैट द सॉल्यूशन करेक्टली वर्क्स फॉर इनवैलिड वैल्यूज। अगर हम कोई इनवैलिड वैल्यू देखें, यहाँ जो हमने वैलिड टेस्ट डेटा पढ़ा है इसका ऑपोजिट क्या है, इनवैलिड टेस्ट डेटा। मतलब वैलिड टेस्ट डेटा सिर्फ वैलिड जो हम लोग डेटा दे रहे हैं सिर्फ उसको चेक करेगा कि 1 से लेके 100 के दरमियान है वैल्यू या नहीं है। इसके अंदर वो क्या चेक करे, इट इज़ नेसेसरी टू मेक श्योर दैट द सॉल्यूशन करेक्टली वर्क। जो आपका सॉल्यूशन है वो वैलिड टेस्ट डेटा को तो वो कर रहा है, ठीक है, कि उसे पता है कि हमने 1 से लेके 100। अगर तो या अगर वो इनवैलिड वैल्यू दे देता है तो वो क्या करेगा, ठीक है, हो सकता है कि वो इनवैलिड वैल्यू दे दे, वो 100 से अबव वैल्यू दे दे या 0 दे दे 1 से नीचे, तो फिर क्या है, तो आपका सॉल्यूशन जो है वो इनवैलिड डाटा के लिए भी, ठीक है, इनवैलिड डाटा के लिए भी वर्क करना चाहिए। अगर या अगर हम सही सही दे रहे हैं वेल एंड गुड, ठीक है, हम लोग टेस्टिंग हमारी हो रही है, अगर हम लोगों ने इनवैलिड दे दिया तो वो क्या करेगा, वो कहते हैं कि आपका सॉल्यूशन जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए, हम उसको इस तरह से उसकी टेस्टिंग करें कि वो वैलिड को भी पहचान ले जब वैलिड डेटा इनपुट हो, और इनवैलिड डेटा हो तो वो उसको भी रिकग्नाइज कर ले। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास, रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स, ठीक है। हमारे पास जो है वो डेटा जो हमारे पास जिस तरह का हम लोग डेटा कलेक्ट करें, जो हमारे पास डेटा है उसका फॉर्मेट चेक करना, ठीक है। इट इज़ वाइज टू चेक हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स ऑन एंटरिंग डेटा इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल गिविंग एन अल्फ़ाबेट। फॉर्मेट क्या है, हमने सारे नंबर्स जो हैं वो इनपुट करवाने, या तो अगर हम इसका फॉर्मेट चेंज कर दें, मतलब हम अल्फ़ाबेट्स इनपुट करें तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। व्हेन अ न्यूमेरिक वैल्यू इज़ एक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्ट करें कि न्यूमेरिक वैल्यू आएगी और हम लोग अल्फ़ाबेट जो है वो इनपुट करवा दें, तो हमारे पास क्या होगा, ये रॉन्ग डेटा फॉर्मेट। हमारे टेस्टिंग की टाइप्स में हमारे पास ये सारा हम लोगों ने चेक करना है कि हमारे पास ये सब कुछ होना चाहिए। ओके, अब है एब्सेंट डेटा। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट द सोल्यूशन स्टिल वर्क्स इफ़ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड। अगर हम लोगों ने कहते हैं कि 1 से 100 तक हमने सारे ही हमने डेटे को टेस्ट करना है, तो इसका मतलब हमने 100 वैल्यूज़ चेक करनी है। तो हमने चेक करना है कि हमारे पास जितने हमारे पास इनपुट थी क्या वो प्रॉपर हुई है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ सिस्टम आस्क टू एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, अगर हम लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो है वो इनपुट करवाना है, देन एवरीवन
cannot provide this information, it is important to see how the system reacts in such solution. अगर हम लोगों ने वो कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का जो है वो नंबर हमने इनपुट करना है, तो क्या हमने उसके टोटल फिगर डाले हैं? जिस तरह से अगर हम लोग अपना जो भी हमारा कार्ड होता है बैलेंस का, जो हम अपने मोबाइल में क्रेडिट करते हैं पैसे, तो हम देखते हैं कि क्या वो उसके जो नंबर्स हैं क्या हमने वो पूरे जो हैं वो अपने फ़ोन में डाले हैं, ठीक है, तो कोई हमने एब्सेंट तो नहीं किया डाटा. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं डेटे की. नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है. आप लोग कहते होंगे, मैं हर टॉपिक को कहती हूँ कि ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए मैं आपको, क्योंकि इसका डिफरेंस मोस्ट ऑफ फ्री जो है वो इसका डिफरेंस पूछ लेते हैं कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का जो है वो डिफरेंस क्या है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन हमारे पास क्या होती है? वेरिफिकेशन मींस टू टेस्ट इफ़ द सॉल्यूशन इज़ एक्चुअली सॉल्व द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट्स डिज़ाइन. हम देखते हैं कि जिस लिए हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है जो सॉल्यूशन, क्या वो उसी के उसी प्रॉब्लम उसी से एक ही सेम प्रॉब्लम को जो है वो उसकी वेरिफिकेशन उसको चेक कर रहा है, उसको बार बार टेस्ट कर रहा है. वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट इफ द सॉल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम. जो आपका सॉल्यूशन है क्या वो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जिसके लिए उसे डिज़ाइन किया है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सॉल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, देन वेरिफिकेशन मीन्स टू नो दैट इट इज़ गिवन रिजल्ट्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट फॉर प्लेन इंटरेस्ट. अच्छा, वेरिफिकेशन में हम लोग चेक करते हैं कि जिस लिए हमने उसको बनाया है, हमने फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करना है प्लेन इंटरेस्ट को, या कैलकुलेट करना है हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को, या कुछ भी इस तरह का कोई भी हमने एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने उसको जो है वो टेस्ट करना है. तो हम चेक करेंगे क्या हमने जो डिज़ाइन किया है, जो हमने सॉल्यूशन निकाला है इसका, क्या वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, हम लोग वेरीफाई करते हैं, या हम वेरिफिकेशन करते हैं इसकी के या तो वो एक ही फार्मूले को, ठीक है, जो कंपाउंड आपका हम लोगों ने कंपाउंड फार्मूला कैलकुलेट करना है, या तो वो साथ साथ प्लेन इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट कर रहे हैं. तो वेरिफिकेशन में चेक करते हैं कि एक सेम ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, या अगर हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम हो तो उसको भी जो है वो आपका जो आपका सॉल्यूशन है वो सॉल्व कर रहा है. दैट इट इज़ गिवन रिजल्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट फॉर द प्लेन. मतलब अगर ये ना हो कि हम लोग कंपाउंड फाइंड कर रहे हैं और हमारे पास जो है वो प्लेन इंटरेस्ट जो है वो निकल के आ रहा है, ठीक है, हम लोग अपनी तरफ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाह रहे हैं लेकिन वो हमारे पास क्या कर रहा है कि हमें प्लेन इंटरेस्ट निकाल के दे रहा है. तो हमें वेरिफिकेशन करनी होती है, वेरीफाई करना होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है जो हमने फाइंड किया है कि ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो हमने उसको चेक करना है कि वो उसी के लिए सॉल्यूशन निकाल रहा है, किसी और के लिए तो नहीं निकाल रहा है. ओके, वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट. वैलिडेशन में, वेरिफिकेशन में हम वेरीफाई कर रहे हैं और वैलिडेशन में क्या कर रहे हैं उसको अब हम चेक कर रहे हैं कि आइदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सॉल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, देन वैलिडेशन मीन्स टू नो वेदर इज फाइंडिंग द करेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट. तो वो अच्छा, अब हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करना है, तो वो चेक क्या करेगा वैलिडेशन में, क्या वो जो है जो हम लोग If you are asked to give a solution for calculating compound interest, then validation means to know whether it is finding the correct compound interest. तो इसमें जो आंसर आ रहा है क्या वो करेक्ट है या वो नहीं है, जो आंसर हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके, क्या वो ठीक है या नहीं है. If a solution is verified, then the validation is with the help of test data as discussed in the previous section. वो कहते हैं अगर हमारे पास जो है वो सोल्यूशन पहले वेरिफिकेशन हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये वैलिड है, ठीक है, हमारे लिए कहना ज़्यादा आसान हो जाता है. ओके, नेक्स्ट में हमने क्या देखना है?
आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शंस। आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शंस बेसिकली हमारे पास है क्या, इफ़ एन एल्गोरिदम इज़ फेल ड्यूरिंग वेरीफिकेशन, अगर वेरीफाई करते हुए हमारा एल्गोरिदम जो है वो फेल हो जाता है, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट केस ऑफ फेलियर एंड द करेक्ट इट। तो हम देखेंगे उसकी मेन रूट क्या है, उसकी जड़ देखेंगे, प्रॉब्लम को हमने जड़ से निकालना है, ठीक है। तो हम उसकी रूट देखेंगे कि उसकी रूट क्या है। समटाइम्स द एरर इज़ लॉजिकल, हो सकता है आपका एरर जो है वो लॉजिकल हो, ठीक है ना। कभी कभी हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, कभी हमारे पास किसी भी तरह का एरर आ सकता है, लेकिन सबसे टफ एरर जो होता है वो आपके पास होता है लॉजिकल, ठीक है, जो आपकी लॉजिक में होता है। लॉजिक क्या होती है, बेसिकली जो आप अपने खुद से आप एक डिज़ाइन क्रिएट करके कोई चीज़ बनाते हो, जो आप अपनी लॉजिक से बनाते हो, ठीक है, अगर उसके अंदर एरर आ जाता है, इट मींस द सॉल्यूशन इज़ वर्किंग बट नॉट रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है, नॉट गिविंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अच्छा, लॉजिकल एरर आपके पास वो ऐसा एरर होता है, ठीक है, जो कि जिसको फाइंड करना डिफ़िकल्ट होता है। इसको फाइंड करना डिफ़िकल्ट क्यों होता है, क्योंकि आपकी ये लॉजिक में प्रॉब्लम है। आपका एल्गोरिदम रिजल्ट तो दे रहा है, ठीक है, आपका एल्गोरिदम रिजल्ट देगा। अब फॉर एग्जांपल कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने में मैंने प्लस की जगह जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है, साइन लगा दिया, तो वो मल्टीप्लिकेशन करके एक वैल्यूज़ को आंसर तो देगा, क्या वो करेक्ट होगा, नहीं, आंसर आ रहा होगा, ठीक है। इट मीन्स द सॉल्यूशन इज़ वर्किंग, सॉल्यूशन वर्क कर रहा होता है लेकिन रिक्वायर्ड आंसर नहीं दे रहा होता। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड एरर, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर की, कि हमारे पास जो है, अगर हमारे पास जो है रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर आवर स्कूल वॉलीबॉल टीम, वी नीड स्टूडेंट्स हैविंग हाइट बिटवीन 144 एंड 164 सेंटीमीटर, ठीक है, टू काउंट क्वालिफाइड स्टूडेंट वी डिवेलप टू द फॉलोइंग एल्गोरिदम, ठीक है। अच्छा, रिक्रूट का मतलब होता है हमने सर्च करना है, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स को सर्च करना है कि वो हमारे पास डेटा जो है, वॉलीबॉल हमने एक टीम बनानी है जिसमें हम लोग जो है जो स्टूडेंट्स रखेंगे उनकी हाइट कितनी हो, 144 सेंटीमीटर से 164 हो। तो उसके लिए एल्गोरिदम में स्टार्ट सेट काउंट टू ज़ीरो, मतलब अभी हमारा हमने काउंट की वैल्यू जो है उसको ज़ीरो सेट कर दी है, ठीक है, सबसे पहले, और सारी हाइट्स जो हैं वो हमने कह दिए सेट ऑल हाइट्स टू 154, 140, 155, 164, 144, 166, 160, 143, ठीक है। ये हमने कहा है कि हमारे पास टोटल, हमारे पास ये सारी हाइट्स ये हैं, ठीक है, हाइट्स को हमने ये वाली वैल्यू दे दी है। फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल द हाइट्स, हम एक हाइट को लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे जो हमारे पास बाकी हाइट्स पड़ी हैं, ठीक है, और उसमें क्या करते जाएंगे हम लोग, पहली हाइट हमारे पास सबसे पहले कौन सी है, 154 है, ठीक है, हमारे पास, और हमने जो है वो चेक करना है क्या वो 144 सेंटीमीटर और 164 सेंटीमीटर से बड़ी है। हाइट जो है हमारे पास 154, फॉर एग्जांपल हमने हाइट जो है हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हमारे पास 8 स्टूडेंट्स हैं और ये 8 हाइट्स हैं हमारे पास। हमने हर हाइट को कंपेयर करना है 144 सेंटीमीटर और 164 सेंटीमीटर से। हाइट हमारे पास सबसे पहले कौन सी है, 154, क्या 154 जो है ग्रेटर है 144 से, यस ग्रेटर है, और फिर हम लोगों ने जो है फिर दोबारा चेक करना है कि जो हमारे पास हाइट है 154, क्या वो लेस देन या इक्वल है 164 के, यस लेस देन है, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन है। तो हम क्या कहेंगे, सेट काउंट टू वन, मतलब हमें काउंट के अंदर वन वैल्यू जो है वो प्लस कर दो, पहले काउंट ज़ीरो था अब काउंट वन हो गया, इसका मतलब हमें एक स्टूडेंट मिल गया। इसी तरह से अब हम बारी बारी जाके क्या करेंगे,
140 चेक करेंगे तो 140 वाला हमारे पास काउंट में नहीं आएगा, 155 चेक करेंगे। बारी बारी हम लोग क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ को हम लोग चेक करेंगे और आउटपुट जो है हमारे पास काउंट में, हम काउंट कर रहे हैं कि हमें कितने स्टूडेंट्स मिल गए हैं, तो हमें ये भी मिल जाएगा, हमें 140 वाला नहीं मिलेगा और 155 वाला भी हमें मिल जाएगा, 164 वाला भी मिल जाएगा। वो ऐसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या हाइट 144 से बड़ी है, 164 यस बड़ी है, क्या हाइट जो है 164 वो इक्वल है या लेस देन है, तो यस इक्वल है, तो ये भी हमें मिल जाएगा। तो हमें इस तरह से जो है वो चेक करना है। द अबव एल्गोरिदम वर्क बट डज नॉट काउंट ऑल स्टूडेंट, देर इज अ डेलिब्रेट एरर ऑन स्टेप 5, द सिंबल इज ग्रेटर देन हैज बीन used instead of greater than equal, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वो कहते हैं कि greater than use की है, तो greater than वो कहते हैं कि हमें equal भी साथ लगाना चाहिए, equal का sign भी जिस तरह हमने यहाँ पे लगाया हुआ है less than equal, क्योंकि greater than या तो बड़ी हो या हमने तो कहा है कि 144 से 164 हो, तो 144 हमारे पास क्या है, ठीक है, जो हमारे पास 144 हाइट है, अगर उससे ग्रेटर देन है तो भी सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर उस बच्चे की हाइट 144 ही है फॉर एग्जांपल, तो वो तो ग्रेटर ना हुई तो ये तो हमारे पास फॉल्स हो रहा है। यहाँ पे 144 इज़ नॉट ग्रेटर देन, तो हमें यहाँ पे करना चाहिए 144 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना, ताकि हमारे पास जो स्टूडेंट जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर भी है तो उनकी सिलेक्शन भी हमारे पास हो। तो ये हमारे पास लॉजिकल एरर है, आंसर तो आएगा लेकिन अकॉर्डिंग टू जो है वो हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो उनको कहते हैं कि द स्टूडेंट हैविंग हाइट 144 विल नॉट बी काउंटेड, दिस इज़ लॉजिकल एरर, वी कैन आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ एरर यूजिंग अ ट्रेस टेबल। और अब हम इसको ट्रेस टेबल में देख लेते हैं कि ट्रेस टेबल में हम किस तरह से इसको फाइंड करते हैं। ओके, अब आपके पास देखते हैं ट्रेस टेबल हमारे पास क्या होता है। ट्रेस टेबल जो होता है हमारे पास ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम एल्गोरिदम को टेस्ट करते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर अकर, ठीक है। हम ट्रेस टेबल में देखते हैं कि हम इस तरह से टेस्ट करें कि हमारे पास कोई लॉजिकल एरर ना आए। द टेबल यूजली टेक्स द फॉर्म ऑफ अ मल्टीपल कॉलम मल्टीपल रोज, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर डेटा जो है वो रो और कॉलम में हमें शो हो रहा होता है, ठीक है। रो और कॉलम में हमारे पास किस तरह से शो होता है, विद ईच कॉलम शोइंग द नेम ऑफ डेटा, हर कॉलम जो है वो डेटा के नेम को शो करें, एंड ईच रो शोइंग वैल्यूज ऑफ डेटा, और हर रो में जो है हमें डेटा की वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। ओके, हमें टेबल में दिखाया हुआ है, हम टेबल देख लेते हैं। द ब्लैंक मीन्स देयर इज नो चेंज, अच्छा जहाँ पे ये वाला साइन होगा इसका मतलब कोई चेंज नहीं है, और दैट मीन्स दैट अ वैल्यू इज़ नॉट कंसर्न, ठीक है, तो हमारे पास हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे, कोई भी जो है वो हम लोग नहीं देखेंगे, अगर ब्लैंक होगा तो नो चेंज है, और अगर ये हमारे पास ये वाला साइन होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है दैट मीन्स अ वैल्यू इज़ नॉट कंसर्न, ठीक है, तो हमें उस जो वैल्यू होगी उससे हमें हम उसको जो है वो हम उसके हमारे साथ कोई इस तरह का हम लोग कंसर्न नहीं है। मैं आपको आगे टेबल देख के जो है वो मैं आपको ये हम लोग टेबल देखते हैं और हम इसको समझते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या कह रहा है। ओके, अब हमारे पास जो है वो हमारे पास टेबल आ गया है, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वो हमारे पास ये वाला साइन है जिसमें हमने पढ़ा था कि हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, तो इसका मतलब पहला जो स्टेप है वो हमें डेटे पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ पे भी आपके एल्गोरिदम पे इसका इफ़ेक्ट नहीं होता। इस साइन का मतलब है कि कोई कंसर्न किसी तरह का नहीं है, कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा डाटा पे, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, स्टेप टू जो है हमारे पास है असाइनिंग ज़ीरो टू काउंट, ठीक है। हमने काउंट को जो है ये हमारे पास कॉलम है काउंट का, हमने काउंट को ज़ीरो कह दिया है, ठीक है।
अकाउंट को हमने ज़ीरो कहने के बाद क्या किया है, उसके बाद हमारे पास स्टेप जो है वो थ्री क्या है, हमारे पास जितनी हाइट्स हैं, ठीक है, हमने वो सारी स्टेप थ्री में जो है वो सारी हाइट्स लिख दी हैं। इन स्टेप फोर देर इज़ नो चेंज इन बोथ काउंट एंड हाइट्स, और स्टेप फोर में जो है वो हमने ब्लैंक कर दिया यहाँ पे कि हमारे पास जो है वो हमने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, बट 154 इज़ स्टोर्ड, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने 154 जो पहली वैल्यू है उसको हमने स्टोर करवा दिया है, ठीक है। स्टेप फोर में हमने स्टोर करवाया है, ठीक है, और स्टेप फाइव में हम लोग क्या करें, वैल्यू को कंपेयर करें, ठीक है, जो काउंट में पड़ा हुआ है, अगर तो वो जो है काउंट में जो पड़ा हुआ है वो उससे जो है अगर तो वैल्यू हमारी ओके है, 154 हमारे पास वैलिड है, जो कि है 144 से 166 सेंटीमीटर बच्चा चाहिए, 154 वाला हमारे पास है, तो हम अपने काउंट को अपडेट कर देंगे, अपडेट करके वन कर देंगे कि हमें एक बच्चा मिल गया है, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से चेक करेंगे, हम लोग स्टेप फोर रिपीट करेंगे। स्टेप फोर मतलब हम दोबारा से एक जो है वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं 140, ठीक है। 140 जब हमने स्टोर करवाई तो हम चेक करेंगे कि क्या 140 इक्वल है या 140 जो है वो लेस देन है 144 के। यस, ये कंडीशन हमारे पास जो है वो क्या हो रही है, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास काउंट में कोई वैल्यू नहीं आएगी, काउंट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी बच्चा दोबारा नहीं मिला, क्योंकि 140 जो है वो वैलिड नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो दोबारा स्टोर करवाया 155, और 155 स्टेप फोर रिपीट हुआ, और फिर स्टेप फाइव में हम लोगों ने इंक्रीमेंट करवा दिया, ठीक है, स्टेप फाइव में इंक्रीमेंट करवा दिया। उसके बाद हम लोगों ने 164 किया, 164 भी हमारे पास क्या है, वैलिड है, 164 भी क्या है हमारे पास, वैलिड है। तो वो हम लोगों ने स्टेप फोर रिपीट किया, मतलब इसको स्टोर करवाया, स्टेप फाइव में हमने अपडेट कर दिया अपने काउंट को कि हमें तीसरा बच्चा मिल गया है, ठीक है। स्टेप फाइव में हमने क्या करवा दिया, थ्री कर दिया कि हमें तीसरा बच्चा मिल गया। फिर स्टेप फोर में हम लोगों ने क्या इनपुट करवाया, 144 अकॉर्डिंग टू, अभी हम देखें हमारा जो हमने वहाँ पे सोल्यूशन निकाला था, 144 पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमने लेस देन का साइन लगाया था लेकिन हमने इक्वल का नहीं लगाया था। तो हमारे पास जो लेस देन का लगा हुआ था उसके अकॉर्डिंगली देखें तो देखें उन्होंने चेंज नहीं किया, क्योंकि हमसे क्या हो गई, मिस्टेक, 144 हमने वहाँ पे वैलिड नहीं रखा, हालांकि 144 भी वैलिड है, क्योंकि हमारी रेंज तो 144 से 166 सेंटीमीटर जो है वो है कि उतनी हाइट का बच्चा, अब हमें उतनी हाइट का बच्चा मिल गया, लेकिन हम लोगों ने कंडीशन रॉन्ग लगाई, हम लोगों ने क्या किया, लेस देन इक्वल टू नहीं किया, हमने सिर्फ लेस देन किया, तो हमारे पास यहाँ काउंट में चेंज नहीं होगा। फिर हम लोग 166 करेंगे, फिर 160 143, इस तरह से हम लोग जो है वो काउंट में क्या करते रहेंगे, हमारे पास जो है वो हमें एट द एंड 5 स्टूडेंट मिल जाएंगे, लेकिन हमें 6 मिलने चाहिए थे, हमें 144 हाइट वाला बच्चा भी, जिसकी 144 सेंटीमीटर थी, वो मिलना चाहिए था। इस तरह से ट्रेस टेबल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऐसी टेक्निक होती है जो कि एल्गोरिदम को टेस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल सी उन्होंने हम लोगों को एग्जाम्पल दी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या है। Using invalid data testing, हम लोग देखते हैं कि testing और an algorithm using invalid data ensures that the algorithm can gracefully handle unexpected data inputs. अगर कोई unexpected input आ जाती है, हमने उसको किस तरह से solve करना है हम ये भी देखेंगे, ठीक है। If an algorithm requires your age in number of days, but you give date of birth as input, then the algorithm may not work properly. अगर वो आपसे आपकी एज पूछते हैं और जो है अगर आप उसको अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ बता देते हो, तो इसका मतलब उसको कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि आपकी एज कितनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ से। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, हमने श्योर करवाना है कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो अनएक्सपेक्टेड वैल्यू को जो है वो किस तरह से हैंडल करता है। तो जो है
अगर हम उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देंगे तो वो जो है वर्क नहीं ठीक तरह से करेगा। द पर्पज़ ऑफ टेस्टिंग यूजिंग इनवैलिड टेस्ट डेटा इज़ टू डिटेक्ट सच सोल्यूशन। तो हम कहेंगे कि ये इनवैलिड डेटा टेस्टिंग है, ठीक है, हमने वैलिड डेटा नहीं दिया, हम इनवैलिड डेटा दे रहे हैं, हमें उसको एज ही देनी चाहिए, हमें उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बतानी चाहिए। इन केस एरर मैसेज शोन, ठीक है, आउटपुट में आपको एरर मैसेज मिल जाता है। मोर ओवर दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग हेल्प यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सोल्यूशन। ओके, बहुत ही आसान हम लोगों ने देख लिया था। ओके, अब इसके बाद हम लोगों ने देखना है कि असाइनमेंट लर्न आउट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट जो है वो आपकी डेफिनेशंस आपने देख लेनी है, इसमें से हमारे पास क्या क्या जो है वो इसके अंदर मौजूद है। लेक्चर थोड़ा सा हम लोगों ने लेंथी कर दिया, मैं आपको इसको जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब कर रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड Allah Hafiz.